हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के सामने एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। 1980 में स्थापित तिलक वेंचर्स वित्त व्यवसाय और कमोडिटी ट्रेडिंग में लगी हुई है। कंपनी को बिजली परियोजना व्यवसाय में भी रुचि थी। सारांश में जाने अब थोड़ा इसका डाटा को देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 110 करोड़ का, करेंट प्राइस 4.96 रुपया, जबकि बुक वैल्यू 3.31 रुपया, यानी कि बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी 48.6, आरओसी 4.44%, आरओई 3.70%, 52 का हाई लो 7 रुपये और 2.93 रुपया, डिविडेंड कोई भी पे नहीं करती है, फेस वैल्यू 1 रुपया। और इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू देखेंगे तो 102 करोड़ का है। आगे देखते हैं, एक साल का अगर चार्ट देखते हैं, प्राइस चार्ट, तो मुझे लगता है कि अभी ये 4.5 रुपये और 5.10 रुपये के करीब में ये कंसोलिडेट कर सकता है कुछ दिनों तक। इसमें प्रोज एक है कि कंपनी डेब्ट फ्री हो चुकी है, और कॉन्स एक है कि ये अपना प्रॉफिट में अदर इनकम को शो कर रहा है, जो कि 2.54 करोड़ का है। पीयर कंपैरिजन, जो कि 108 कंपनी है जिसके कंपैरिजन में है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। पीयर कंपैरिजन इसका मतलब है कि या तो ये सारी कंपनियों के मार्केट कैप के बराबर या इससे नीचे इस कंपनी का मार्केट कैप है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो जून 2023 का क्वार्टर सेल्स 5.13 करोड़ का, एक्सपेंस 4.62 करोड़ का, अदर इनकम 95 लाख का, नेट प्रॉफिट 1.06 करोड़ का, ईपीएस 5 पैसा। बैलेंस शीट जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मार्च 2023 का शेयर कैपिटल 22.40 करोड़ का, रिजर्व 51.33 करोड़ का, ब्रोइंग 2.45 करोड़ का, जो कि रिजर्व के अनुसार ब्रोइंग नाम मात्र का है, इसी कारण इसको ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी माना गया है। और इन्वेस्टमेंट 60.80 करोड़ का, टोटल एसेट बढ़कर 77.17 करोड़ का हो चुका है। कैश फ्लो मार्च 2023 में 3.20 करोड़ का प्लस में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि प्रमोटर होल्डिंग 62.63% का है और पब्लिक होल्डिंग 37.39% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 58,486, यानी कि इतना लोगों के पास में इस कंपनी का शेयर है। और इसमें न्यूज नया कुछ भी नहीं है, पुराना ही है। जो कि 13 सितंबर का है, वार्षिक रिपोर्ट प्रेषण के बाद समाचार पत्र प्रकाशन, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट जो जारी किया था उसके बाद में उसी का समाचार पत्र में प्रकाशन किया। तो धन्यवाद दोस्तों।